हेलो गाइस, स्वागत है आपके रिवर्स रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं द रेवेनेंट कोरियन ड्रामा के बारे में। इसकी रेटिंग IMDb पर 9.3 है और एक वन गोइंग शो है जो कि डिज्नी प्लस पर हर हफ्ते आता है फ्राइडे और सैटरडे को। अभी तक इसके कुल 2 एपिसोड आ चुके हैं। इसका जॉनर मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर है और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ एक इंट्रो बनता है। इस शो को द डीमन, द डेविल, अगवी इन सभी नामों से जाना जाता है, द रेवेनेंट से भी। इस शो के कुल 12 एपिसोड हैं जो कि डिज्नी प्लस पर हर हफ्ते आते हैं, जिनकी लेंथ 1 घंटे 10 मिनट है। और हाँ, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं, इसको आपको इंग्लिश सबटाइटल में ही देखना होगा। इस शो की कहानी कुछ ऐसी है, कुशान यंग जो हमारी मेन लीड होती है, यानी कि मेन कैरेक्टर जो कि डीमन से पोजेस होती है, पर उसके आसपास के लोग मरने लगते हैं। पर तभी उसके सामने योंग हाई सांग प्रोफेसर आ जाता है जो कि डीमन को देख सकता है। पर वो दोनों उन सभी चीज़ों के बिहाइंड द ट्रू, यानी कि उसके पीछे एक सच जानना चाहती हैं। कुशान यंग यानी कि वो एक पार्ट टाइम वर्कर होती जो कि पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। पर एक दिन उसके फादर से तरफ से उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसके बाद से उसके आसपास सभी मरने लगते हैं और वो अपने आप को बदल सा देखती है। वहीं दूसरी तरफ योम हाई सांग एक रिच बैकग्राउंड यानी कि अमीर घराने का, जिसके पास बहुत पैसा। वो एक कोरियन प्रोफेसर है जो कि कोरिया यूनिवर्सिटी में जो कि कोरियन सिखाता है और वो डीमन को भी देख सकता है। उसने अपनी माँ को सामने मरते देखा एक डीमन के हाथ से, इसीलिए तो वो इस शो में है। फिर उसके बाद वो मिलता है हमारी फीमेल लीड से, फिर वो दोनों आते हैं डीमन के आमने सामने। इसमें एक और कैरेक्टर होता है जो भी एक मेल लीड है। इसमें 3 मेल लीड हैं जो कि ल्यूटिनेंट होता है एक वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम में, जिसका नाम होता है ली होंग से। पर वो सिर्फ अपने करियर में अपने प्रमोशन की परवाह करता है। पर वो कुशान यंग एंड योम हांग संग इन दोनों के कारण वो इस मिस्टीरियस केस में मिल जाता है। अगर मैं इन दो एपिसोड को देखकर बताऊं तो ये शो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो इन 2 एपिसोडों में ल्यूटिनेंट का कोई काम नहीं था, पर प्रोफेसर और वो वूमेन जो डीमन से पॉजिस हुई, इन दोनों को देखने में मजा आ जाता है। अगर मेरी माने तो आपको इस शो को एक बार जरूर देखना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें।